वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन वी पी एस सी अकेडमी माई नेम इज आशीष गर्ग सो टूडे वी विल डिस्कस द हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द यू पी एस सी ई एस ई एस एग्जाम यू पी एस सी ई एस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर स्ट्रेटी क्या है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं आज बेसिकली आई एम कमिंग फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सो आई विल्प द हाउ वी कैन क्लियर दू पी एस सी एस ईस प्रिलिम्स इन द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आई हैव क्लियर दिस एग्जाम ट्वाइस

ये स्ट्रेटजी दोनों के अंदर काम करती है इन बोथ ई एस एंड गेट एग्जाम एक्चुअली दिस विल वर्क फाइन विद ऑल अदर एग्जाम्स ये डेट इज इंक्लूडिंग स्टेट पी एग्जाम ए एग्जाम एज वेल सो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट तो जब भी आपको कोई भी सब्जेक्ट रीड करोगे यू हैव टू सोल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टाइम लिमिट के साथ ही देखना है क्योंकि ई में आपका बहुत टाइम लिमिट बहुत मिनिमम रहता है क्योंकि आपको 150 फिफ्टी क्वेश्चन करने होते हैं विद इन थ्री आवर्स डैट इज़ वन एट्टी मिनट्स और ये ओ एम आर बेस्ड एग्जाम है तो आपको फ़िल करना भी होते हैं दे वन फिफ्टी बबल्स तो वन फिफ्टी बबल फिल करने में आपको एस्टिमेट टाइम टेन मिनट्स आराम से लग जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यू हैव ओनली वन सेवेंटी मिनट्स टू कम्प्लीट द वन फिफ्टी क्वेश्चन तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में फिफ्टी सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना होता फिफ्टी सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना होता तो हम ये बात आगे भी करेंगे पॉइंट्स के अंदर अपने लेकिन आपको क्या करना है जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें यू कैन सेट योर टाइम टाइमर सो डैट यू नो हाउ मच टाइम इज एनी क्वेश्चन इज टेकिंग फिर आप जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते हैं तो उसको एनालाइज करना है मतलब कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है या आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या हो सकती है पर्टिकुलरली दो ही प्रॉब्लम हो सकती है या तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा या आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा या कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए यदि आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है फिर बहुत जल्दी करना है क्योंकि यदि आपके पास फिफ्टी सेकेंड ही है और आपको लग जाते हैं थर्टी सेकेंड ओनली टू रीड द क्वेश्चन इट डजेंट मेक एनी सेंस तो आप इस पेपर के लिए तैयार ही नहीं कर सकते तो आपको रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए ये थर्टी सेकेंड नहीं लग के हमें ट्वेंटी सेकेंड का एस्टिमेटेड टाइम चाहिए होता है इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए तो मेक नोट ऑफ ऑल रैंडम टफ क्वेश्चन एंड योर मिस्टेक आपको कोई भी रैंडम फैक्ट है नोट्स ऑफ ऑल रैंडम क्या है मतलब यहाँ पे रैंडम फैक्ट्स हैं दीज आर फैक्ट्स जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करूं फैक्ट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका फैक्ट्स क्या है जैसे Uh, कोई आपका इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट में आपको पता है कोई भी डिज़ाइन यदि हमें डिज़ाइन करना है सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन करना है ग्रिड चैम्बर का डिज़ाइन करना है या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का डिज़ाइन करना है या एक्टिवेट स्लज टैंक सॉरी उसका डिज़ाइन करना है तो आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए कि लेंथ बाई विड्थ रेशियो कितनी होगी डिटेंशन टाइम क्या होगा तो इन सब पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए तो यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ ऑल दोज रैंडम फैक्ट्स क्योंकि तो ये डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है और ईजी गोइंग क्वेश्चन होते हैं यू कैन ईजली स्कोर टू मार्क्स इन दिस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको साथ में ही नोट्स में टफ़ क्वेश्चन भी लिखने हैं क्वेश्चन लिखने हैं आई मीन बाई क्वेश्चन नोट सोल्यूशन बट क्वेश्चन जब आप फाइनली जब प्रिपेयर कर रहे होगे तो क्वेश्चंस लिख के जब आप लास्ट रिवीजन करोगे रिवीजन के टाइम आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं जरूर ताकि आपको कोई भी पेपर में ऐसा न, ऐसा नहीं नहीं लगे कि ये कुछ नया आया है तो आपको ये रिवीजन करने हैं यू हैव टू रिवाइज दैम आपको अपनी मिस्टेक्स को भी हाईलाइट करना है जैसे यदि आप कोई प्रीवियस ईयर बुक लगाते हैं तो यू हैव टू हाईलाइट दैट मिस्टेक इन योर प्रीवियस ईयर बुक और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे यू हैव टू सी दैट मिस्टेक एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस सो डैट यू डू नॉट मेक दैट मिस्टेक इन द एग्जाम एज वेल मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ट्राई टू मेक अ लॉजिकल गैस यदि आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं यू हैव गिवन एन फोर ऑप्शन आपको फोर ऑप्शन गिवन है लेकिन आपको क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि इसके जो थ्री ऑप्शन है वो निगलेक्ट कर सकते हैं या थ्री ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो आप तो आप एक स्ट्रेटजी भी रहती है कि आपको आंसर नहीं पता लेकिन आप एलिमिनेशन से आप आंसर पर पहुँच जा रहे हो तो आपको ये भी एक स्ट्रेटी फॉलो करनी है एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन मेकिंग इंटेलिजेंट गैस तो आपको साथ साथ जब आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू ज्वाइन दैट टेस्ट सीरीज फॉर आइदर यू पी और गेट एग्जाम तो इससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कहाँ हो रही है या फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस पता चलेंगी आपको अपनी दोनों स्ट्रेंथ या वीकनेस पता चलेगी कि मेरा कौन सा टॉपिक अच्छा है और मिस टॉपिक आई एम लैकिंग इन तो आप ये दोनों आ, ये प्रैक्टिस आप फॉलो करेंगे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव थ्री टाइम्स इसमें लिखा हुआ है थ्री टाइम्स बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा फोर टाइम्स आल्सो फोर टाइम्स भी आपको मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए सोल्व ही नहीं करने आपको क्वेश्चन याद होना याद हो जाने चाहिए उसका आंसर याद, याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वाई टू वेस्ट फिफ्टी सेकेंड ऑन डेट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू सी द क्वेश्चन एंड डायरेक्टली मार्क इट सो यू नॉट ओनली हैव टू

बिफोर सोल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इन सेकेंड अटैम्प्ट मेक्स शॉर्ट नोट्स ऑफ योर नोटबुक मतलब क्या इस बात का जैसे यदि मैं एक्सप्लेन करूँ इस पॉइंट को आपने एक बार पूरी रिविजन कर चुके हो आप आप एक बार पूरी रिविजन कर चुके हो अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैंजिंग योर सब्जेक्ट बिफोर सोल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इन सेकेंड अटैम्प्ट के बारे में बात कर रहे हैं मेक्स शॉर्ट नोट ऑफ योर नोटबुक जब आप एक बार पूरा ऑब्जेक्टिव लगा लिए हो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लिए आपने तो आपको क्या करना है उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं शॉर्ट नोट्स किसके बनाने हैं कंसेप्ट के भी और क्वेश्चन के भी कंसेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन आपको दोनों के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कंसेप्ट एंड क्वेश्चन तो ये शॉर्ट नोट्स आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है आपके पास जैसे सिविल इंजीनियरिंग में फोर्टीन सब्जेक्ट्स हैं फोर्टीन सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना इम्पॉसिबल है विद इन अ वीक एज वेल आप सेवन डेज में भी इसको रिवाइज नहीं कर पाओगे यदि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो तो शॉर्ट नोट्स के बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है और यदि आप शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन नहीं यूज़ करते हैं या क्वेश्चन नहीं आप नोट्स में लिखते हैं तो भी इस शॉर्ट नोट्स का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली मेन एम तो हमारा क्या है क्वेश्चन सोल्व करना है तो क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द शॉर्ट नोट्स यू हैव टू राइट द क्वेश्चन इन द शॉर्ट नोट्स इसके क्वेश्चन लिखने के दो स्ट्रेटजी हो सकती हैं आप या तो कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चन लिख सकते हैं जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का कोई टॉपिक है तो मैं कंसेप्ट के साथ ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख दूंगा तो एक तो ये कंसेप्ट हो सकता है या आप ऐसे कर सकते हैं आफ्टर रिटर्न ऑल द कंसेप्ट यू कैन राइट द क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक तो आप दोनों ही ट्रिप टिप्स यूज कर सकते हैं इसके लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में

आपको पता है शेयर सेंटर का जब हम निकालते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आप किस इसिटी पे फोर्स लगाएंगे कि आपका शेयर सेंटर लोकेट हो जाए तो ये आप डिराइव करोगे वहाँ पे या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये फोर बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी बाई फोर ई आई ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए या ड्राइव करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा तो ये क्या है कन्वेंशनल क्वेश्चन का एंड रिजल्ट है तो आपको डायरेक्टली ये शॉर्ट नोट्स में लिखा होना चाहिए तो ये ये एक एग्जाम्पल था ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपको डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में लिखे होने चाहिए क्योंकि दिस दिस फैक्ट्स आर डायरेक्टली आस्ट और दिस टाइप ऑफ एंड रिजल्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्ट इन द पेपर तो आपको ये लिखने होंगे सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इंक्लूडिंग आंसर डेट यू हैव नोटेड वाइल सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आंसर्स राइट करने हैं जो आप सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जैसे मैंने बताया भी है ऑल्सो इंक्लूड एंड वर्ड्स एंड कंसेप्ट विच कूडेंट सोल्व डूरिंग द मॉक टेस्ट ये भी आपको लिखने हैं जो आप नहीं सोल्व कर पाए हैं डूरिंग द मोक टेस्ट जैसे कि मैंने बताया टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता तो आपको जो भी यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो वो भी आपको डायरेक्टली राइट करना है अपने शॉर्ट नोट्स में अगेन एवर फॉर गेट टू राइट मिस्टेक्स मिस्टेक्स जरूर लिखनी है अपने नोट्स के अंदर अब बात कर लेते हैं कि रिविजन कैसे करें आपको रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स बिफोर द रियल एग्जाम एटलीस्ट टू टाइम यहाँ पर लिखा है टू टाइम यदि आप एक्चुअली अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा थ्री टू फोर टाइम थ्री टू फोर टाइम आपको यदि शॉर्ट नोट्स खाली पढ़ लेते हो तो ये सफिशेंट है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में जैसे कि मैंने बताया वन फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थ्री हंड्रेड मार्क्स के आ, हमारे ई एस सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यदि आपको थ्री टाइम थ्री टू फोर टाइम्स यू हैव रिवाइज यूर होल शॉर्ट नोट्स then you can easily score you can easily score marks in this particular uh, paper kyunki aapne division achhi ki hui hai aapke sare facts clear hai aapke sare concepts clear hai to aap score kar paoge so during exam make sure that you don't waste much time in too much calculative question आपको calculative question में यदि कोई जैसे यही question है यदि इसके आपको B H T and E and I आपको दे दिया गया है तो आपको यदि ये सोल्व करने जाओगे तो मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम वन टू मिनट वन टू टू मिनट आपको लगेंगे ही लगेंगे और हमें पता है हमारे पास केवल पचास सेकेंड है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है बाद में सोल्व करना होता है यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आफ्टर अटैम्प्टिंग ऑल द ईजी क्वेश्चन ठीक है तो ये आपको बाद में करने हैं क्वेश्चन शुरू में नहीं करने हैं क्योंकि आपके ये दो दो से तीन क्वेश्चन का एक विवेलेंट हो सकता है एक क्वेश्चन तो आपको ये छोड़ना है एक बार के लिए इसके हम फोर्थ टाइम डिवीज़न जब करेंगे मतलब कि जब क्वेश्चन को चौथी बार हम पढ़ेंगे तब करने होते हैं मैं बताऊंगा ये इसका भी कंसेप्ट क्या है फोर्थ टाइम का भी एग्जाम्पल क्या है प्रीवियस ईयर में जो थर्टी फोर क्वेश्चन पूछे गए थे फ्लूड मैकेनिक्स से आपको पता है फ्लूड मैकेनिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा टाइम लग जाएगा तो इसका एग्जाम्पल है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं करने थे वहाँ पर एग्जामिनर ने जान बूझ के दिए थे तो आपको चेक करने के लिए कि भाई ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स करेंगे या फिर करेंगे तो कितना टाइम उनको कंज्यूम हो जाएगा इस क्वेश्चन में एज कम्पेयर टू दी अदर क्वेश्चन तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ने थे बेसिकली तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट कि उन क्वेश्चन को करना है जो पहले सबसे आसान है आप ऐसे समझ लीजिए हम चार रीडिंग करेंगे पेपर की वी हैव टू रीड फोर टाइम लेट मी राइट इन द नेक्स्ट पेज वी हैव टू रीड फुल एग्जाम फोर टाइम्स फर्स्ट टाइम में फर्स्ट टाइम में आप क्या करोगे खाली इजी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे मतलब क्या है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई वो क्वेश्चन जो आपको देखते ही बन जाएंगे मतलब कि आपने देखा और आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है तो फर्स्ट रिविजन में वो सब क्वेश्चन हो जाएंगे अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन तो आराम से निकल जाएंगे ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन आउट ऑफ वन क्वेश्चन इन दू पी एस प्रीलिम्स एग्जाम अब सेकेंड अटैम्प्ट में वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें पता है क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और थोड़ा कल्प इसकी जो लैंग्वेज uh, है थोड़ा उसमें पढ़ने में टाइम लग सकता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें लेंथी टाइप क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे क्वेश्चन मतलब कि लेंथी इन द सेंस कि उनकी जो वोकेबलरी uh, है या इंग्लिश है या स्टेटमेंट्स हैं वो लेंथी होंगी जैसे स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दे हैव टू बी सोल्व इन द सेकेंड टाइम क्योंकि इसके अंदर दो या तीन आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगी फिर पूछेंगे विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू आपसे स्टेटमेंट ट्रू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको सेकेंड टाइम में अटैम्प्ट करने चाहिए लेकिन यदि आपको फर्स्ट टाइम में भी हो गए हैं तो ये वेल एंड गुड है क्योंकि आपको देखते ही क्वेश्चन हो गया था थर्ड टाइम में आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको लग रहा है कि लेंथी है लेकिन नया नहीं है मतलब कि आपने वो क्वेश्चन पहले कहीं पढ़ा हुआ है लेंथी है लेकिन नया नहीं है दैट इज ओल्ड ओल्ड क्वेश्चन हम ये कोई पुराना ही क्वेश्चन है टाइम लग सकता है तो लेकिन हम कर सकते हैं थर्ड टाइम में वो अटैम्प्ट करने और फोर्थ टाइम में आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो न्यू क्वेश्चन है जो न्यू क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ डेरिवेशन आपको शायद यूज करनी पड़े टू रिजल्ट एट दी कंक्रीट सॉल्यूशन डेरिवेशन की जरूरत पड़े तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन आपके ईजिली सोल्व हो जाएंगे यहाँ पर भी आपके ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बेसिकली वो डिपेंड करता है वैसे तो पेपर टू पेपर बट ये देखा गया है कि ट्वेंटी टू थर्टी या फिर इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में जब आप फर्स्ट खाली आप आई टी ईव टीजिंग कर रहे होते हो ईव टीजिंग बोल सकते हैं इसको ईव टीजिंग जब आप कर रहे होते हो तो ये आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं बात कर लेते हैं लेंदी और ओल्ड क्वेश्चन जैसे कि ये सिक्सटी क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर अराउंड ये भी क्वेश्चन हो ही जाते हैं फोर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से कर लोगे या इन इनका भी मार्क्स इनके क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाते हैं बचते हैं अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं या फिर जिसमें कुछ नया पूछा होता है तो ये क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है अदरवाइज ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी इजली सोल्व और ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी इजली सोल्व मतलब क्या है वन फिफ्टी क्वेश्चन में से आपको वन ट्वेंटी टू वन थर्टी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो वन ट्वेंटी टू वन थर्टी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्योंकि ईस में जैसे कि आफ्टर एटीन या फिर आफ्टर एटीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू पेपर्स का लेवल जो है वो अब इजी आ रहा है इन द टेक्निकल एग्जाम इजी लेवल आ रहा है इन द टेक्निकल एग्जाम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो आप ईजिली वन ट्वेंटी टू वन थर्टी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो पहले क्या था पहले न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी फिफ्टी से भी ज़्यादा पूछे जाते थे मतलब कि वन फिफ्टी क्वेश्चन में अराउंड एट्टी न्यूमेरिकल होते थे और थ्योरी के क्वेश्चन होते थे आपके सेवेंटी के सेवेंटी के सेवेंटी के करीब तो आप सोच सकते हो कि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में एट्टी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा तो इसका अटैम्प्ट खाली फोर्टी ही हो पाता था तो अराउंड वन हंड्रेड टेन का अटैम्प्ट आपको मिलता था सेवेंटी प्लस फोर्टी लेकिन क्योंकि अभी लेवल ईजी है थोड़ा क्योंकि पाँच साल से ऐसा ही लेवल आ रहा है बच्चे इजली स्कोर कर पा रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि वन ट्वेंटी टू वन टर्टी क्वेश्चन एक अच्छा अटैम्पट है आउट ऑफ वन फिफ्टी क्वेश्चन आई होप आई मेड माई पॉइंट बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स की एट लास्ट इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई इन द टेक्निकल प्रम्स देन यू हैव टू क्वेश्चन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन ट्वेंटी क्वेश्चन का मिनिमम अटैम्प्ट चाहिए आपको यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए क्योंकि यदि आपको भी पता है इसकी जो कट ऑफ है कट ऑफ मिनिमम रहती है आपकी टू फिफ्टी मार्क्स अराउंड टू फिफ्टी मार्क्स के अराउंड तो ये कट ऑफ क्या है कंबाइंड कट ऑफ है आउट ऑफ फाइव हंड्रेड मार्क्स जो टेक्निकल वन पेपर है या फिर आप जीएस पेपर वन जीएस पेपर वन जो आपका टू हंड्रेड मार्क्स का होता है और टेक्निकल पेपर जो आपका थ्री हंड्रेड मार्क्स का होता है तो ये फाइव हंड्रेड मार्क्स में से आपकी जो टू फिफ्टी मार्क्स की कट ऑफ एटलीस्ट रहती है या फिर कभी कभार इसकी कम भी हो जाती है जैसे 2019 में हमारी कट ऑफ थी 210 मार्क्स लेकिन ये 250 मार्क्स की कट ऑफ आपको मिल जाएगी टू थाउजेंड में या फिर 21 में 2022 में और 2021 में जो मुझे याद आ रहा है आई थिंक ये 251 थी 21 में और 22 में क्योंकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी भी अराउंड 250 मार्क्स की ही आपकी कट ऑफ गई है दिस ईयर ऑल्सो सो आपको कट ऑफ ही नहीं क्लियर करनी आपको मार्क्स स्कोर करने हैं यू हैव टू एटलीस्ट स्कोर थ्री और थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स टू गेट इन द फाइनल सिलेक्शन क्योंकि टू फिफ्टी कट ऑफ क्लियर करके आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है फर्स्ट थिंग वैकेंसी आपकी कम है तो यदि आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस में सिलेक्ट भी किया जाता है जो कि वन इजू सेवन के रेशियो में बुलाएंगे आपको एज़ कम्पेयर इन वैकेंसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं हंड्रेड वैकेंसी है टोटल हंड्रेड वैकेंसी टोटल है तो आपको एट हंड्रेड स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे एट हंड्रेड स्टूडेंट जिसके टू फिफ्टी से मार्क्स ज़्यादा ईजिली है तो आपको स्कोर करना है थ्री हंड्रेड प्लस ताकि आप लीड कर सकें मेन्स में भी और फाइनली इन द इंटरव्यू ऑल्सो आई होप मैंने आपको समझाया है कि कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है कैसे आपको यू पी एस की तैयारी करनी है आई होप आपको ये वीडियो समझ आ, अच्छी लगी होगी और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर ये पेज की कॉपी चाहिए तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल और यू कैन सेव इट फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल डैट इज़ वी प्लस यू अकेडमी वी प्लस यू अकेडमी आप यहाँ से जाके इसकी पेज की कॉपी ले सकते हैं ये आपका एक इंडेक्स हो जाएगा जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ये सब पॉइंट्स फॉलो करने हैं आई रिकमेंड यू टू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स आई होप दैट दिस विल दिस वीडियो विल हेल्प यू इफ़ यू हैव एनी फर्दर कॉमेंट्स और इफ़ यू एनी फर्दर क्वेश्चन इन यूर माइंड फिल फ्री टू कॉमेंट इन माई यूट्यूब डिस्क्रिप्शन और यू यूट्यूब बिलो दिस यूट्यूब वीडियो Thanks for watching this video. Have a nice day.